नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक के चिक्कोडी तालुका में जैन समाज के मुनिराज के निर्मम हत्या के संबंध में आज मकराना बोरावड़ के जैन समाज के लोगों ने मकराना एसडीएम मकराना तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन से उन्होंने अवगत कराया कि जिसने भी ये निर्मम हत्या की है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे जो मुनिराज है उनकी सुरक्षा बढ़ी जाए। आप देख सकते हैं मकराना बोरावड़ के जैन समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में आज मकराना एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और ज्ञापन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कठोर कारावास दी जाए। कर्नाटक में जैन संत की हत्या से आहत मकराना बोरावड़ का जैन समाज 20 जुलाई को उपखंड कार्यालय में आकर राष्ट्रपति व सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चले कि 5 जुलाई को काम कुमार नंदी जी की करंट लगाकर निर्मम हत्या कर दी गई, शरीर के 100 टुकड़े कर दिए गए। आचार्य 15 वर्षों से पहाड़ी के नंदी पर्वत पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर और आश्रम का निर्माण करा रहे थे एवं उनका अधिकांश प्रवासी वही होता था। 5 जुलाई को शाम को अचानक नंदी जी लापता हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने जैन मुनि का अपहरण व हत्या करना स्वीकार किया। इसके तत्पश्चात संपूर्ण जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। सभी जैन समाज के लोगों की मांग है कि भारतवर्ष सभी प्रांतों में जैन मुनिराज व आर्य का साध्वियों के विहार व प्रवास के अंतर्गत सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाए। सुनील जैन ने कहा कि जैन संत केवल अपनी साधना में लीन रहते हैं, उनके साथ ऐसा जघन्य कांड होना जैन समाज के लिए अत्यंत दुख व चिंता का विषय है। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज ने केंद्र सरकार व कर्नाटक की सरकार से दोषियों को शीघ्र अतिशीघ्र दंडित करने का आग्रह किया। इस मौके पर कमल जैन, सुनील जैन, ज्ञानचंद नाटा, सूरज जैन, प्रदीप जैन, सुनील नाटा, नरेश भंडारी, सुशीला जी गोदा, पुष्पा नाटा, सुप्रिया जैन, अल्फा जैन, अवंतिका जैन आदि मौजूद थे। आइए बात करते हैं इस संदर्भ में। सर, आज जैन समाज के काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, क्या है मामला पूरा बताएं सर। कर्नाटक में हमारे आचार्य श्री राम राज मुनिराज जी की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में हम सभी मकराना सकल जैन समाज मकराना बोरावड़ दोनों सम्मिलित होकर के पूरे एकता के साथ हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए और हमारे जैन साधु संतों की बिहार के समय और प्रवास के समय उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए सरकार की तरफ से। हम सभी एक होकर पूरा पुरजोर विरोध करते हैं इस निर्मम हत्याकांड का जो कर्नाटक में हत्याकांड हुआ है। इसका निषेध हम सबको ज्ञात हुआ है कि 5 जुलाई को कर्नाटक के चिकोली तालुका के ग्राम में आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या कर दी गई। उनको करंट देकर उनके 100 टुकड़े करके और बोरवेल के अंदर डाल दिया गया। यह एक बड़ा ही नृशंस कार्य है जिसका किसी भी धर्म में मानवता में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। बात यह पूरे भारतीयों को उद्वेलित कर गई, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जिसने भी इस समाचार को सुना वो स्तब्ध रह गया। क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत धार्मिक देश है, भारत गुरुओं का देश है। यहाँ पर गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की जाती है, चाहे वो किसी भी समुदाय के गुरु हो। इस तरह की नृशंस हत्या का भारतीय समाज में कोई भी स्थान नहीं है। आज पूरा भारतवर्ष का जैन समाज एक साथ इस समय पर उपस्थित होकर अपने अपने उपखंड कार्यालयों में आ रहा है और माननीय राष्ट्रपति जी को एवं सरकारों को ये निवेदन कर रहा है कि इस तरह की हत्याएं बड़ी ही निर्मम है। हम मांग करते हैं कि जितने भी जैन साधु हैं उनको जहां भी रहते या विहार करते तो उनको सुरक्षा प्रदान करवाई जाए एवं साथ ही साथ जो हमारे ये जो जिन्होंने भी हत्या की है
उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी हम मांग करते हैं। ठीक।